वेलकम बैक टू MLT फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं जिस मशीन के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ वो है यूरिया ब्रेथ टेस्ट एनालाइजर, जो कि एच पायलोरी बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। ये इसका बैक साइड में पावर बटन आता है जिसको हम ऑन करेंगे और तो मशीन ऑन हो जाएगी। इसको आप नाइट के टाइम बंद कर सकते हैं। हर मशीन का यूज़र लॉगिन और पासवर्ड डिफरेंट हो सकता है। इस मशीन का यूज़र लॉगिन और पासवर्ड जो है वो एडमिन और पासवर्ड जो है 12345 है, लेकिन आपके सप्लायर हो सकता है आपको कोई डिफरेंट पासवर्ड या यूज़र नेम प्रोवाइड करें। ये वो ऐसा है जिधर हम कार्ड रखते हैं। जब मशीन ऑन करते हैं तो सबसे पहले ये सेल्फ टेस्टिंग में जाती है, और सेल्फ टेस्ट जो ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मैक्सिमम 5 मिनट्स लेता है। और इसके अलावा अगर कैलिब्रेशन वीकली 1 टाइम जो है वो कैलिब्रेशन भी परफॉर्म की जाती है, बैकग्राउंड कैलिब्रेशन। ये जो है पहले तो बहुत ज़्यादा टाइम लेती थी, लेकिन अब उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए जिसकी वजह से मैक्सिमम जो है 5 to 10 मिनट्स में कैलिब्रेशन भी कंप्लीट हो जाती है। जब कैलिब्रेशन कंप्लीट होगी तो उसके मशीन रेडी होगी, तो ही आप पेशेंट को रेडी करें टेस्ट के लिए। पेशेंट को रेडी कैसे करना है टेस्ट के लिए वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। अब ये किट है मशीन जैसे कि सेलिस कंपनी की है, तो कार्ड हम यूज़ करेंगे वो भी सेलिस कंपनी का ही है। ये जो है किट के साथ नहीं सॉरी सप्लायर जो है ये कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव कंट्रोल, और इसको हम अंटिल एक्सपायरी यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी लंबे ये चल जाते हैं। अब किट के अंदर क्या आता है, किट के अंदर ये कैप्सूल आते हैं जो कि पेशेंट को हमने टेस्ट के लिए देना होता है। इसके अलावा कार्ड होता है और होल्डर होता है जिसके अंदर एयर फिल करनी होती है। लेकिन पार्ट टू के अंदर मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि पेशेंट को कैसे हमने रेडी करना है। इस वीडियो में हम जो है वो मशीन के बारे में देखेंगे कि इस मशीन के अंदर हम कैसे टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। टेस्ट तो नहीं, कंट्रोल मैं आपको बता देती हूँ कंट्रोल कैसे परफॉर्म करना है, सेम ही टेस्ट मेथड होगा। अब ये देखें, जब कैलिब्रेशन के बाद स्क्रीन रेडी होगी तो ये डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर हिस्ट्री आती है, यानी कि जो हमने टेस्ट परफॉर्म किए होते हैं उसका रिकॉर्ड आता है। और ये जो बटन है इसको जब हम प्रेस करेंगे तो हमें बैकग्राउंड का रिकॉर्ड मिल जाता है। बैकग्राउंड जो है अभी 106 है, नॉर्मली जो है वो बैकग्राउंड जो है वो 330 से कम होना चाहिए। अगर 330 से अबव हो तो हम बैकग्राउंड कैलिब्रेशन को पे क्लिक करके रिपीट करेंगे। अब हम बैक स्क्रीन पे जाएंगे। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कंट्रोल कैसे रन करते हैं। जब मशीन रेडी होगी तो सबसे पहले हमने कंट्रोल रन करना होता है। कंट्रोल को हम एज अ पेशेंट ही के तौर पे रन करेंगे, ऐसा सेपरेट ऑप्शन नहीं है कि कंट्रोल की सेपरेट ऑप्शन नहीं है कि कंट्रोल रन करेंगे ये LJ ग्राफ आएगा, वो इसमें नहीं होता है। इसलिए हम इसको ऐसा पेशेंट ही एंटर करते हैं। तो नेगेटिव NEGC लिखा और एंटर किया। अब ये मशीन का कलर जब ये ग्रीन होगा इस साइड पे तो हम इसके अंदर रखेंगे। अब ये देखें, अब ये ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब है कार्ड इंसर्ट हो चुका है। अब ये देखें, कार्ड इंसर्टेड जो है वो बटन ग्रीन हुआ हुआ है। जैसे ही कंप्लीट होगा तो ये जब स्टॉप होगा तो रेड हो जाएगा, और फिर हम जब कार्ड निकालेंगे और हमें वेट करना होगा। ये देखें, नेगेटिव कंट्रोल था तो ये HP- लिखा है और DPM 0 है। और जब हम कार्ड निकालेंगे ये देखें, अभी रेड ब्लिंक हो रहा है, तो हमें वेट करना है। जैसे ही ये ग्रीन होगा तो उसके बाद हम नेक्स्ट कंट्रोल या पेशेंट का सैंपल जो है वो रन कर सकते हैं। ये देखें, ये ग्रीन हो गया है तो हम पॉजिटिव कंट्रोल को रन करेंगे। पॉजिटिव कंट्रोल के लिए आप POSC लिख के एंटर करें और फिर ओके का बटन दबाना है। इसका कीबोर्ड थोड़ा सा सेंसिटिव है तो शुरू में शायद आपको थोड़ी सी इरिटेशन होगी, लेकिन जैसे ही आप यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बटन्स को किस हिसाब से प्रेस करना है। अब ये मैंने बाय मिस्टेक नंबर के अंदर लिख दिया पॉजिटिव सी, इसलिए मुश्किल नहीं है। मैं इस पर पेशेंट पर क्लिक करके दोबारा लिख लेती हूँ। और फिर हम इसके अंदर रखेंगे। और जो पेशेंट है इसमें मैक्सिमम आप जो है वो 6 वर्ड्स लिख सकते हैं, 6 वर्ड से ऊपर नहीं लिख सकते हैं। तो आप अपना कोई भी जो कोड है या उसको कोशिश करें 6 वर्ड्स तक लिमिट रखें। अभी देखें, ग्रीन है तो इसलिए हमने पॉजिटिव कंट्रोल को अंदर रखा। अब ये ब्लिंक करना शुरू हो गया, इसका मतलब है कार्ड इंसर्ट हो चुका है। और पॉजिटिव कंट्रोल को ये रीड करने में टाइम लेगा, लेकिन मैंने आपको ज़रा एडिट करके जल्दी दिखा रही हूँ। अब ये देखें, इसका पॉजिटिव कंट्रोल है 4030 HP 4+, यानी कि पॉजिटिव कंट्रोल पॉजिटिव ही आया है। और मोस्टली ये अभी तक हमने जितनी दफ़ा रन किया ये 4+ ही आता है।
अब जब पॉजिटिव कंट्रोल या पॉजिटिव सैंपल भी अगर होगा तो उसके बाद जो है वो मशीन जो है एक तरह से अंदर से डबल क्लीनिंग या इस प्रोसेस में चली जाती है, तो तकरीबन जो है 5 मिनट्स से ऊपर लग जाते हैं मशीन को दोबारा रेडी होने में कि नेक्स्ट सैंपल को प्रोसेस किया जा सके। तो आप लोगों ने थोड़ा वेट करना है, जब मशीन का कलर ग्रीन होगा तो उस सूरत में ही आपने कार्ड को इंसर्ट करना है। अब ये मैनुअल है, ये जो है ये आपको मशीन के सप्लायर ही प्रोवाइड करेंगे। इस मैनुअल के अंदर सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं, मशीन का ऑपरेशन, टेस्ट का प्रोसीजर, नॉर्मल रेंजेस, मेंटेनेंस कैसे मशीन की करनी है, मंथली मेंटेनेंस या वीकली मेंटेनेंस, या क्लीनिंग कैसे करनी है। तो जब मशीन आपके पास आएगी और ये मैनुअल आपको मिलेगा, तो आप कोशिश करें कि जो मैनुअल है उसको एक दफ़ा उसके गो थ्रू हो जाए, ताकि अगर कोई पॉइंट मिस भी हो जाए इंजीनियर से तो आपको पास मैनुअल होगा, तो आप मैनुअल से आपको डिटेल पता चलेगी। अभी देखिए इसमें मेंशन हुआ है कि बैकग्राउंड कैलिब्रेशन जो वो 330 से कम होनी चाहिए। अगर बैकग्राउंड कैलिब्रेशन जो वो 330 से अबव होगी, तो उस सूरत में हमें जो है वो रिपीट करना होती है। जैसे मैंने आपको ऑप्शन दिखाई थी कि बैकग्राउंड कैलिब्रेशन पर क्लिक करना है, तो वो रिपीट हो जाएगी। और सैंपल कैसे परफॉर्म करना है वो मैंने आपको बताया, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी। अब ये देखें रिजल्ट्स हैं, नेगेटिव जो है वो 99 से कम होना चाहिए और पॉजिटिव जो है वो 149 से अबव होना चाहिए। अगर या फिर अगर 99 और 149, सॉरी, नेगेटिव वैल्यू जो है वो पॉजिटिव 99 से कम होनी चाहिए और पॉजिटिव कंट्रोल की वैल्यू जो है वो 99 से अबव होनी चाहिए। और 99 से 149 के दरमियान हो, तो इसका मतलब है कि 1+ है, और इसी तरह फिर 2+ होता है, फिर 4+ और 4+। जब हम पेशेंट का सैंपल रन करेंगे तो फिर मैं आपको जो है ये जो रेफरेंस रेंज है इसको डिटेल से आपके साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन अगर अभी आपको अगर अभी याद रखना है, तो आप ये याद रखें कि जो सेलिस का यूरिया ब्रेथ टेस्ट एनालाइजर है, इसकी नॉर्मल रेंज अगर आपने याद रखनी है, तो अगर पेशेंट का रिजल्ट 99 से कम है तो हम उसको नेगेटिव रिपोर्ट करेंगे, यानी कि एच पायलोरी बैक्टीरिया नेगेटिव आया है और इसको कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन अगर जो है वो 99 से अबव रिजल्ट है, तो उस सूरत में इसका क्या मतलब है कि एच पायलोरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन मौजूद है पेशेंट को। अब वो कितना लेवल का मौजूद है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में जब सैंपल रन करेंगे तो उस टाइम पे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कि 1+ है, 2+ है, 3+ है या 4+ है, और अगर 4+ है तो कितनी रेंज होनी चाहिए, 2+ है तो कितनी रेंज होनी चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन आई होप कि इस वीडियो में आपको आइडिया हो गया होगा सैलिस यूरिया ब्रेथ एनालाइजर के बारे में, कि इस मशीन का ये कैसे काम करती है, कंट्रोल कैसे रन करते हैं, रेडी कैसे होती है, सैंपल को कैसे हम एंटर कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको इसमें आइडिया हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।